हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप मध्य प्रदेश के कोरोना वायरस की स्थिति पर कुछ डेली इन्फॉर्मेशन लेके आइए, तो उसी क्रम में मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम मध्य प्रदेश की कोरोना वायरस केसेस की, कोविड केसेस की करंट स्थिति को देखेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक मध्य प्रदेश में 940 के आसपास केस पहुंच चुके हैं आज शाम के 4 बजे तक। सुबह होते होते या हो सकता है कहीं 1000 न टच कर जाए। इसमें टॉप में इंदौर है। इंदौर में अब तक 544 पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। मतलब कि इंदौर में जहां कल 411 केस थे, आज 544 केस हो गए। तो बहुत ज़्यादा अंतर देख रहे हैं आपकी। इंदौर में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, उज्जैन, खरगोन, अलग अलग शहरों में अलग अलग आंकड़ा है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किस शहर में कितने कितने इन्फेक्टेड केस पाए गए हैं और कितनी डेथ हुई है। ये सारी की सारी जानकारी इस चार्ट में आपके लिए अवेलेबल है। दोस्तों, इस प्रकार से मध्य प्रदेश के 26 जिलों में कुल मिलाकर अब तक 938 केस हुए हैं। कल तक ये आंकड़ा 1000 को छू जाएगा। और अगर हम मृत्यु की बात करें तो अब तक मध्य प्रदेश में 53 डेथ हुई है एवं अभी भी 64 लोग गंभीर हालत में हैं। मतलब ये कि आने वाले समय में डेथ की संख्या और बढ़ने वाली है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 290 कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए गए, मतलब कि जहाँ कोविड-19 के केस पाए गए हैं और उन क्षेत्रों को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि हमारे पास में मेडिकल इक्विपमेंट्स की क्या स्थिति है, उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम टेस्टिंग किट की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने 116,500 टेस्टिंग किट्स ऑर्डर किए हैं, जिनमें से उन्हें सिर्फ 12,700 टेस्टिंग किट मिली हैं। इसमें से 12,200 टेस्टिंग किट्स डिस्ट्रिक्ट्स को इशू कर दी गई हैं टेस्ट करने के लिए, और हमारे पास बैलेंस में मात्र 500 टेस्टिंग किट हैं। अब इस आंकड़े के बारे में क्या कहूँ, ये सही है ये नहीं है, इट मीन्स 500 टेस्टिंग किट्स कितनी पर्याप्त है नहीं है, इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। वहीं अभी भी हमारे पास में आने बाकी हैं 1,03,800 किट्स आना बाकी हैं। उसी प्रकार RT-PCR किट जो टोटल ऑर्डर किए गए हैं 1,02,600 किट्स ऑर्डर की गई हैं और हमें अब तक मिली हैं 21,020 किट मिली हैं, और हमारे पास बैलेंस में 5,500 किट बाकी हैं, 81,580 अभी भी आना बाकी हैं। दोस्तों, वहीं हम अगर हम PPE मतलब जो डॉक्टर्स पहनते हैं, बिना पहने किसी मरीज को देखते नहीं हैं, वो हमें मिलनी है 1,63,500 और हमें अब तक मिली है 74,000, और अभी हमारे पास में बैलेंस है 6,430 बाकी की बाकी किट्स सरकार ने डॉक्टर्स को दे दी हैं और 1,23,000 किट्स अभी आना बाकी हैं। उसी प्रकार से N95 मास्क भी 2,25,000 आने हैं, हमारे पास 70,000 अभी और आने हैं, 8,000 हमने अपने स्टॉक में रखा, बाकी इशू कर दिए गए हैं। दोस्तों, 3-लेयर मास्क की बात करें तो हमें 56,00,000 मिलने हैं और अब तक 52,00,000 मिल चुके हैं, और इसके तो हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में है। अभी भी हमारे पास में 18,00,000 से ज़्यादा मास्क हैं। हाइड्रोक्लोरोक्लिन टैबलेट, ये भी बहुत पर्याप्त मात्रा में 31,00,000 है, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। और ऑक्सीजन सिलेंडर, ये भी हमारे पास में आई थिंक पर्याप्त हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं है अभी, लेकिन जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी, इसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली, तो हमें इसको और अवेलेबल कराना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य विभाग के लिए। दोस्तों, अगर हम टेस्टिंग लैब की बात करें तो मध्य प्रदेश में 9 टेस्टिंग लैब हैं, 4 भोपाल में है, 2 ग्वालियर में है, जबलपुर, इंदौर और सागर में एक एक टेस्टिंग लैब है जहां पर सैंपल लिए जाते हैं और लोगों के टेस्ट किए जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो सैंपलों की बात करें तो अब तक 14,000 से ज़्यादा सैंपल भेजे गए हैं, जिनमें से 9,596 सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इनमें से पॉजिटिव केस 938 पाए गए हैं, 938 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जो आज तक की संख्या है।
दोस्तों अगर हम अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, जैसे नंबर ऑफ़ द हॉस्पिटल्स और इसके अलावा कितने हमारे पास में बेड्स अवेलेबल हैं, तो मध्य प्रदेश में ये संख्या अच्छी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो मानक है उससे ज़्यादा ही हमारे पास में बेड हैं। इनको कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। इन तीन क्लासों में विभाजित करने के बाद जो हमारे पास में कुल हॉस्पिटल्स आते हैं और कुल बेड्स आते हैं, अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो 334 तीनों कैटेगरी के हॉस्पिटल हैं कुल। और इन हॉस्पिटल्स में बेड की बात करें तो 29,355 बेड हैं अवेलेबल मरीजों के लिए। अगर हम आईसीयू देखें तो आईसीयू की संख्या 840 है। वहीं हम अगर वेंटिलेटर्स को देखते हैं तो वेंटिलेटर्स की अच्छी खासी संख्या है, 690 वेंटिलेटर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, जो आने वाले समय में निश्चित ही बढ़ेंगे। मतलब ये कि अगर बीमारी बढ़ती है तो हमारे पास में अभी समय है कि हमारी सरकार इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर लेगी। और आई थिंक इंडिया एंड मध्य प्रदेश बोथ आर डूइंग वेल, आई बिलीव समय रहते सारी व्यवस्थाएँ कर ली जाएंगी और हम इसे बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले कंट्रोल भी कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश की कोरोना वायरस अपडेट। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।